अभी अभी राहुल गांधी ने चुनाव के बीच कर दिया सबसे भयंकर ऐलान। वीडियो देखकर हिल गई भाजपा सरकार। जी हां, आपको पता चली कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे और लगातार चुनावी रैली और रोड शो को करते हुए नजर आ रहे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस देश में क्रांतिकारी काम हमेशा से करती आई है, जैसे देश को आजादी दिलाई, देश को संविधान दिया, देश में हरित क्रांति श्वेत क्रांति लाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को खत्म किया, देश में कंप्यूटर क्रांति लाई। अब आइए सुनिए सबसे पहले राहुल गांधी का वो पूरा भाषण सुना लेते हैं जिसमें राहुल गांधी क्रांतिकारी कामों की चर्चा करते हुए नजर आ रहे। आप ये मत सोचिए कि ये काम एक दिन का, दो दिन का, पांच दिन का है, ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। आप सबका कांग्रेस जनरली क्रांतिकारी काम करती है, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये कांग्रेस का अब नया क्रांतिकारी मिशन है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भरे मन से राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस का बलिदान और योगदान इस देश को दिया गया है उसकी जानकारी लोगों के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे। जी, आपको पता चली कि लोकसभा चुनाव से पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिस पर यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टेक से हर्षराज की रिपोर्ट।